Hello students, in the previous class we studied about the sexual reproduction. In this class we continue the sexual reproduction. Some important terms we see. First is zygote. Zygote is the connecting link between one organism to the next organism. दो organism को जोड़ने वाला होता है zygote. और zygote की जो formation होती है कैसे होती है? Male and female gamete. One male gamete और दूसरा female gamete, ये दोनों fertilization करते हैं तब बनता है जायगोट. और जायगोट का इम्पोर्टेंस क्या है? ये कंटिन्यूटी देता है स्पीसीज को, एक स्पीसीज से आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता है. तो ये क्या है कंटिन्यूस? फॉर इंग्लिश डेफिनेशन, यू कैन गो थ्रू इट, वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी. इसका मतलब क्या है? ये लिंक है, इंश्योर करेगा, निश्चित करेगा कंटिन्यूटी को, किसको? स्पीसीज की. लगातार स्पीसीज आती रहेगी. किसके बीच में? बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन. एक जनरेशन और उनका है, उसका नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, उसकी जो संतान आएगी वो जायगोट के थ्रू आएगी. ये है. अगर नेक्स्ट है, पहला हो गया हमारा. अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ओविपेरस एनिमल. ओविपेरस, ओविपेरस टर्म लिखा होगा. ओविपेरस का मतलब है इसके अंदर वो एनिमल्स आते हैं विच गिव राइज टू एग्स, जो एग को जन्म देते हैं. किसको जन्म देंगे? एग को. एग से क्या फिर हैचिंग होगी, एग की, एग की हैचिंग करेंगे वो, उसको सहेंगे, उसके बाद उससे निकलेगा यंग वंस, उसमें से उसकी संतान निकलेगी. तो उसके लिए हम कह देते हैं द एनिमल विच गिव राइज टू एग, एग को जन्म देंगे और एग की क्या होगी? हैचिंग. और उससे क्या निकलेगा? उससे वन निकलेगा यंग वंस, उनका बच्चा निकलेगा उनसे. तो ये वाला इसमें जो एग्जांपल आएंगे आपके ओविपेरस वाले एग्जांपल में, और इसके अंदर कह देता है, कोई क्वेश्चन पूछ जाता है नीट में कि ओविपेरस एनिमल में जो फीमेल है, फीमेल के अंदर जो इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा या इंटरनल होगा, तो फीमेल के अंदर यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी फीमेल की बॉडी से बाहर होता है फर्टिलाइजेशन. कैसे होता है? अब एक एग्जांपल लेते हैं हम एम्फीबियन का. मान चलिए एम्फीबियन में हमने रख लिया फ्रॉग. ये फ्रॉग क्या करेगा? मेल फ्रॉग होगा और फीमेल फ्रॉग होगा. मेल क्या निकालेगा? मेल गैमेट, जिसे हम स्पर्म के बोल सकते हैं. और ये क्या निकालेगा? एग या ओवा निकालेगा. एग या ओवा कह सकते हैं इसको. ये दोनों फ्यूज करेंगे किसमें? वाटर में. क्या करेंगे? वाटर में फ्यूज करते हैं. ये इसका ये एग या ओवा है, ये क्या है? नॉन मोटाइल है. ये क्या है? मोटाइल. ये मोटाइल है, ये तैरता हुआ आएगा, एग ओवा को आकर फर्टिलाइज करेगा. तब यहाँ क्या बनेगा? दोनों फ्यूज कर जाएंगे, तब यहाँ बनेगा जायगोट आपका. और जायगोट बनने के बाद में किसका जन्म होगा? जायगोट बन गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर नया ऑर्गन बनेगा. यानी यहाँ पर क्या बना है? मेनली एग ने जन्म लिया है, एग जन्म लेकर के वो देगा बच्चे. अगला आता है हमारा, अगला टर्म है विविपेरस एनिमल. विविपेरस, विविपेरस जो एनिमल्स हैं विच गिव राइज टू यंग वंस, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो कहलाते हैं विविपेरस एनिमल. विविपेरस का सबसे अच्छा एग्जांपल है विच गिव राइज टू, किसको जन्म देंगे? अपने बच्चों को, चाइल्ड्स को, या यंग वंस को जन्म देंगे वो. यंग वंस को जन्म देते हैं. अच्छा, इसका एग्जांपल सबसे अच्छा मेमल. मेमल इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है. मेमल्स के और करेक्टर बताइए आप. मेमल्स का सबसे मोस्ट करेक्टर है मेमरी ग्लैंड होता है उसके ऊपर. उस मेमरी ग्लैंड से क्या करता है? वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है मेमल्स. इसके अंदर कुछ रेप्टाइल्स भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं. तो ये हो गए आपके क्या? ओविपेरस एनिमल. और यहां पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है.